कितने दिन बैठने का इरादा है? कब तक चलेगा ये सब आंदोलन? कितने दिन तक रहेंगे आप? पेज कहाँ फंसा? अकाल देवते फतेह, खालसे की हर मैदान फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। 30 दिन से कुछ इसी तरह किसान आंदोलन की आग दिल्ली के सिंह बॉर्डर समेत कई सीमाओं पर जल रही है, जिस आंच पर सरकार कहती है कि रोटियां कुछ राजनेता सेक रहे हैं। अब महीने भर के बाद डर है, जल्द बातचीत की रोटियां पलटी नहीं गई तो भरोसा तेज आंच में काला पड़ सकता है। मैं मेरे किसान भाइयों बहनों को भरोसा दिलाता हूं कि आपके विश्वास पर हम कोई आंच नहीं आने देंगे। हर समय किसानों के हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। समाधान के लिए हम खुला मन। खुले आसमान के नीचे चलते किसानों के आंदोलन तक आज तक संवाददाता नवजोत रंधावा इसीलिए पहुंचे ताकि आप जान सके आखिर आंदोलन में कितनी हकीकत है, कितनी सियासत। नमस्कार। कृषि कानूनों को लेकर लगातार दिल्ली की सरहदों पर बवाल है, किसान आंदोलन कर रहा है, एक महीना हो चुका है, महिलाएं मेरे पीछे हैं। ये एक ऐसा आंदोलन जिसमें न सिर्फ पुरुष, न सिर्फ बुजुर्ग, बल्कि जवान, महिलाएं, बच्चे, हर कोई यहाँ पर है। एक ऐसा आंदोलन जहाँ शांतिपूर्ण तरीके से किसानों का कहना है कि हम अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि हम बातचीत को तैयार हैं, प्रस्ताव लगातार भेजे जा रहे हैं, आइए और बात कीजिए। बात बनती नजर नहीं आ रही। आज हम आपको दिखाएंगे, आपको मिलेंगे उन तमाम सवालों के जवाब जिसमें आरोप ये लगे कि आंदोलनकारी किसान खालिस्तानी है। ये कहा गया यहाँ तो मसाज पार्लर चल रहे हैं, ये कहा गया कि पिज्जा खा रहे हैं किसान, लेकिन सबका जवाब है आरोप तमाम लगाइए, मुद्दे की बात कीजिए। तीनों कृषि कानून, सरकार भी चाहती है कि डेडलॉक टूटे, बातचीत हो। किसान भी कह रहे हैं कि बातचीत हो, लेकिन बात बनेगी कैसे? आज देखते हैं रास्ता निकलता है कि नहीं। आइए मेरे साथ। क्या वाकई जलेबी की तरह किसान आंदोलन दूर से मीठा लेकिन नजदीक में उलझा हुआ है? क्या वाकई राजनीति की वॉशिंग मशीन में किसानों से जुड़े कानूनों के फायदे को धोकर आंदोलन चलाया जा रहा है? क्योंकि 30 दिन बाद भी आंदोलन की ताकत किसान के घर का बच्चा बच्चा बनता सिंह बॉर्डर पर नजर आता है। क्या लिखे बताइए, किसने हक अपनी निश्चय करे अपनी जीत करो। भारतीय किसान मजदूर एकता जिंदा। कौन सी क्लास में? फोर्थ में। अब स्कूल जाती है? नहीं अभी नहीं, आजकल नहीं जा रही। कितने दिन से यहाँ? दो दिन से। क्या देखा आपने यहाँ पर? किसान। कौन कौन आया साथ में? मम्मी पापा दादी। ओके, आपको क्या बताया मम्मी पापा ने? किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। एक तरफ किसान है आंदोलन वाला, दूसरी तरफ किसान है सम्मान निधि पाने वाला। दोनों किसानों के बीच अब कहानी आगे बढ़ती है, क्योंकि देश के 9 करोड़ किसानों से सीधा संवाद करते प्रधानमंत्री ने जब रिमोट का बटन दबाया तो मीटर घूमा, किसानों के हित की रकम सीधे खाते में पहुंची। लेकिन आंदोलन करते किसानों का समाधान मीटर क्यों नहीं घूमता? सिंह बॉर्डर पर एंट्री करते ही निहंग सिंह आंदोलन का भरोसा बनकर खड़े मिले। सिंगू बॉर्डर में जैसे ही आप एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको दिखेगी गुरु की लाडली फौज यानी निहंग सिंह। सबसे पहले आप लोगों ने मोर्चा संभाला है, पीछे किसान युवा। अगर हिंद की फौज किसानों पर कोई माड़ी नीयत से अटैक करते तो सबसे पहले हमसे निपटेगी, हम अपने सीने पर गोली खाएंगे। कि हम भारत देश के वासी हैं, हम कोई आतंकवादी नहीं, हम कोई खालिस्तानी नहीं, हम बकवादी नहीं, हम सत्यवादी हैं। सवाल सीधा सा, अगर एक तरफ देश के करोड़ों किसानों से जुड़े कानूनों पर भरोसा देने की ताली प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री बजाते, दिल्ली से 2,500 किलोमीटर दूर अरुणाचल प्रदेश के किसान गगन पेरिंग तक से बात कर लेते हैं। जय हिंद। अरुणाचल के लोगों को तो जय हिंद कह रहा होता है। आपको पीएम किसान सम्मान निधि से जो पैसा मिल रहा है उसको आप कैसे उपयोग करते हैं? गगन जी इतने दूरी पर हैं, इतने पहाड़ों में हैं, कैसे करते हैं? तो फिर सिर्फ 41 किलोमीटर दूरी पर बैठे आंदोलन करते अन्नदाता क्यों नहीं सरकार की आवाज सुन पा रहे हैं? वॉशिंग मशीन जो यहाँ पर लगाई गई है, मैं उनकी तस्वीरें भी आपको दिखाती हूँ किस तरीके से यहाँ पर इंतजाम किए गए। सत श्री अकाल जी। की हाल है?
ठीक ठाक जी। चली जाता बल्ले बल्ले काम अपना। ओ टोर डाला। किसने लगाई मशीन? ये जी एक लड़का है प्रिंस सत्तोवाल का है जी लुधियाना से। अच्छा। उसने दो मशीनें लेके आया था, तीन हमको डोनेट हुई है। ओके। और वो डोनेशन कहाँ से हुई है? पता नहीं, एक तो दो तो हमारे सामने लंगर में है, वहीं से मिली है। ओके। अच्छा, किस तरीके से ये मतलब क्योंकि यहाँ भीड़ तो बहुत ज्यादा है, तो वॉश कैसे करते हैं? क्या नंबर लगते हैं? टोकन सिस्टम है, क्या है? नहीं जी नहीं नहीं, हैंड टू हैंड आई। हैंड टू हैंड, मतलब जो आए अपने कपड़े वॉश करवा के चला जाए। कब तक करोगे आप? आने का जब तक नहीं आएंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं बात कर ली। कोई बात नहीं, कर ले तो हमारे पास तो कोई बात नहीं हुई, सब ऐसे ही बैठे हैं। अगर बात की होती हम चले ना जाते, हम यहाँ क्यों करने हैं? प्रधानमंत्री से 49 घंटे की दूरी पर बैठे ऑर्गेनिक अदरक उगाने वाले गगन पेरिंग से देश के किसानों को भरोसा प्रधानमंत्री दिलवाते हैं। क्या वो कंपनी जो आपसे जिंजर खरीदती है, वो आपसे जिंजर ही ले जाती है कि जमीन भी उठा के ले जाती है? वो हमारा जितना प्रोडक्ट है उसका प्रोसेसिंग फिनिशिंग प्रोडक्ट को ले जाने का एग्रीमेंट किया है, जमीन को नहीं। जमीन अपना है, अपना ही रहेगा। आप अरुणाचल के इतने कोने में बैठे हैं, आपको विश्वास है कि आपकी जमीन सुरक्षित है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि आपकी फसल का कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एग्रीमेंट करेगा तो जमीन भी चली जाएगी। अब इतना झूठ बोल रहे हैं। लेकिन सात लोक कल्याण मार्ग यानी पीएम आवास से 73 मिनट की दूरी पर बैठे किसान क्यों भ्रम के भंवर में अब भी घूम रहे हैं? कल भी एक उन्होंने लेटर दिया है कृषि मंत्री ने कि आइए बातचीत कीजिए, पेज कहां फंसा हुआ है? पेज गल नहीं ना मान रहा किसानां दी, जिहड़ा वा मुद्दा है वा ठीक है, जो किसान नहीं मानते ओहदा की। उन्होंने यही कहा कि जो MSP है और जो आपकी बाकी मांगे है, जो 15 अपने पॉइंटर्स दिए हैं, उस पे उन्होंने कहा कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जदों आंदे ने असीं सानू मंजूर नहीं, ओह ना करते ना मंजूर ना करे। हाँ जी, सेंटर सरकार ये कह रही है भी गलबात करो ते काम नबेड़ो विचो, आपो अपने घरी जाओ। हाँ जी, कदों तक तुहानू लगदा है आगू गल करनगे? जो आंदे ने भी अपना कृषि जो कानून है वापस ले लेना चाहिए, अज ही घरां टोर जाने आ। कोई आंदा आतंकवादिया होंदे ते असीं कानून आने वापस ले लगे नहीं आए नहीं इत्थे। ये देखिए, ये दुखती रग है, ये सबसे बड़ा बड़ी विडंबना है कि हमें आतंकवादी नहीं बोलिए। हम पंजाब से हैं, हम आपके मुल्क के हैं, पंजाब आपका है, नाराजगियां होती हैं, अपनों को मनाया जाता है। वाहे अकाल देवते फते, खालसे की हर मदान फते, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फते। किसानों के आंदोलन को लेकर दो बातें हो रही हैं। पहली बात प्रमुखता से कही जा रही कि किसानों के पीछे राजनीति है, और दूसरी कि किसानों के पीछे खालिस्तान, पाकिस्तान, चीन तक का नाम कुछ नेता ले रहे हैं। आंदोलन के पीछे राजनीति की बात प्रधानमंत्री ने भी किसानों से संवाद में कही। कृषि कानूनों के संदर्भ में ये जो पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा वाले जो कुछ लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, कृषि कानूनों के संदर्भ में उनके पास ठोस तर्क न होने के कारण वो भांति भांति के मुद्दों को किसानों के नाम पर उछाल रहे हैं। आपने देखा होगा, जब प्रारंभ हुआ था तो उनकी इतनी मांग थी कि भी MSP की गारंटी दो। उनके मन में जेन्युइन, तो क्योंकि वो किसान थे, उनको लगा कहीं ऐसा तो ना हो। लेकिन इसका माहौल दिखा करके ये राजनीतिक विचारधारा वाले चढ़ बैठे, और अब MSP वगैरह बाजू में क्या चल रहा है, ये लोग हिंसा के आरोपी ऐसे लोगों को जेल से छुड़ाने की मांगे कर रहे हैं। क्या इसी कारण आंदोलन में पिछले एक हफ्ते से रोज भूख हड़ताल करते किसान काफी लोगों को नजर नहीं आते, लेकिन 30 दिन से कानून रद्द कराने के लिए जुटे किसानों के आंदोलन में अन्नदाता को मौज मनाने वाला बता दिया जाता है। सिंह बॉर्डर पर खीर का लंगर संवाददाता नवजोत रंधावा को दिखा। अब कुछ लोग इस खीर के पीछे भी राजनीति के दोने और बाल्टी बता सकते हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा ही है? कोई हिंसा नहीं, कुछ नहीं, उल्टा यहाँ पर लंगर लगा के भाईचारे का संदेश भी दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, दोनों तरफ से समझते हैं किसान कि हम बात के जरिए बात निकालेंगे,
और ये जरिया और ये रास्ता दिखाया। देखिए, ये गुरुओं ने परंपरा शुरू की थी। पूछा गया कि कब से कब तक ये लंगर चलाओगे, तो जवाब आया 550 साल से तो चल रहा है, अभी आगे देखिए कब तक चलेगा। मैं यही क्वेश्चन आपसे करती हूँ, कहाँ से आया? पटियाला, जिला पंजाब। क्वेश्चन उन्हें ही उठ गया भी, तुसी किन्ना किचर चलाओगे? जब तक यही मानदा नहीं है, मोदी मना के छड़ा नहीं चल रहा, फिर गुरु का लंगर हमेशा तो चल रहा, चलता रहेगा। मैं गुरदासपुर तो हाँ, पिंड मेरा गुरदासपुर है, माझे तो हाँ, पिछों असी पंजाब तो हाँ, पाकिस्तान तो हाँ। ओके, मैं बस ये पूछ रही हूँ, गुरुआ ने लंगर चलाया, पूछा गया किसी नू भी कदों तक लंगर चलूगा? क्या भी बाबे ने 550 साल तो हो गए, गां पता नहीं कदों तक चलूगा। अब क्वेश्चन यही उठ रहा है कि आप लोग कब तक यहाँ बैठेंगे? सरकार ने तीसरी बार बोला है कि आप आइए, हमसे बात कीजिए। पेच कहाँ फंसा हुआ है, नाराजगी कहाँ है? ये बात है ना, आपने बताया कि कब तक चलेगा, जब तक सरकार रद्द नहीं करेगी, हाँ या नहीं करेगी, उतना तक लंगर चलेंगे। गुरु नानक पातशाह के लंगर चल रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा था, नाम जपो, वंड छको, किरत करो। जहाँ किसानों की किरत का लंगर है जी, जो वहाँ वंड छक रहा है, जिसने हमारे 26-27 तारीख को गोले फेंके, अथरू गैस के डंडे मारे, बछाड़ो मारियाँ, वो हमने सहियाँ, वो भी वहाँ आकर लंगर छकते हैं, हमें खुशी होती है। वहाँ बैनर लगा भाई कन्हैया जी का, ये लंगर सभी के लिए है। कम से कम आप अपनी तीन ऐसी मांगे बताइए जो आप चाहते हैं, सरकार नहीं मानी तो हम नहीं उठेंगे। मेन जड़ी मांगे हैं, एक तो जो कानून है, मेन सबसे बड़ी है, रद्द होना चाहिए। जब तक हम उठेंगे नहीं यहाँ पर, 6 महीना लगे चाहे साल लगे, और कोई हमारी मांग नहीं। पहले हमारी मांग है 6 जो 3 कानून है, ये है रद्द की। जिंदाबाद। तीनों कानून जब तक रद्द नहीं होंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। लंगर चल रहे हैं और साथ ही साथ ये संदेश दिया जा रहा है भाईचारे का भी। देखिए, आंदोलन है, आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन साइलेंट तरीके से, नॉन वायलेंस तरीके से। हम आपको आगे लिए चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पर किस तरीके से, क्योंकि यहाँ से 6 किलोमीटर का पूरा एरिया है और उससे भी आगे तक। देखिए, 225 किलोमीटर शंभू और सिंगू बॉर्डर की दूरी है, लेकिन बर्फ इतनी जमी है दिलों में कि वो पिघलने को तैयार नहीं। कोशिशें की जाती हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। फिलहाल 1 महीना पूरा हो चुका है, चलिए देखते हैं कहाँ तक आवाज बुलंद हो रही है। इधर नवजोत को ये बात सिंगू बॉर्डर पर समझ आ रही थी कि तनातनी अब सिर्फ कृषि कानूनों को लेकर ही नहीं, बल्कि खालिस्तानी और पाकिस्तानी फंडिंग से जोड़कर बताए जाने को भी पैदा हो चुकी है। हर आदमी के पास आईडी प्रूफ है, जो पाकिस्तान का उसके पास आईडी प्रूफ तो नहीं होएगा ना इधर का। ये मोदी जल्दी मान जाएगा तो हम जल्दी वापस चल जाएंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं जलंधर से आया हूँ। जलंधर से आए हैं, यानी दुआबा? हाँ, दुआबा। यानी माझा, दुआबा, मालवा तीनों इत्थे है, सभी इत्थे, पर टीकरे वालू मालवे वाले सब इत्थे बैठे है। मेरा एक क्वेश्चन है, कब तक का इंतजाम आपके पास अभी है? अभी हमारे पास टन बाई टन ट्राली आता है, राशन का भी आता है, बालन का भी आता है, सब चीज का आता है। तो कितना टाइम ये नहीं मानेगा, उतना टाइम कोई वापस नहीं जाएगा। हमको कम से कम 15 दिन हो गया इधर बैठा है। आप 15 दिन से आए, लेकिन आज तो 1 महीना पूरा कम्प्लीट हो गया। हाँ, हो गया। चलिए, मांगे नहीं मानी जाएंगी तो आगे नहीं जाएंगे। नाराजगियां हैं, लेकिन इल्जाम नहीं लगाइए। ये सारी तल्खियां भी यहाँ से देखने को मिल रही है। इस बीच हम आपको लिए चलते हैं आगे। आंदोलन ऐसा जहाँ लड़ाई भी है तो सफाई भी है, जहाँ किसान सुरक्षा की चिंता है तो आंदोलनकारियों की सेहत की भी फिक्र। लेकिन असली मुद्दा तो 3 कानून, जिसे किसानों के हित के सांचे में फिट होकर पास हुआ बताकर सरकार किसानों का भ्रम तोड़ने में जुटी है। लेकिन किसान उन्हीं कानूनों के खिलाफ अपनी रोटी की फिक्र में लड़ाई लड़ रहे हैं। इस शक्ति के साथ आंदोलन लंबा चले, आंदोलन की आग बुझने नहीं देंगे। पंजाब की खासियत यही है कि जाए तो कोई भूखा नहीं मरता है, पर ना मरने देता है। ये बड़ी बात इन्होंने कह दी, ना मरता है ना मरने देता है, लेकिन किसान तो भूख हड़ताल कर रहा है। मैडम, भूख हड़ताल इसके लिए अपने हकों लिए करता जी, किसी ये नहीं कहा अपना ना किसी का कदे हक खोया ना कदे खोन दिता जी। इसने जो भी साडा भाई एक आया, असी एक हां सब, जब तक सानू नहीं इंसाफ मिलूगा असी इथों नहीं हिलांगे। सानू जिन्ना बताइए, ये राशन ज्यादातर तो 6 महीने का आया हुआ है, लेकिन ये अगर 6 महीने से ज्यादा वक्त लग, क्योंकि 1 महीना तो बीत गया, अब फिर उसके बाद क्या? मैडम, किसान
अन्नदाता आ सारी दुनिया ने खिलाऊंदा जी भावे दो साल चले जेड़ा अनाज दी आप पैदावार करता वह भुखा मरूगा तुम मैनू ये दसो ना होगा ना कोई चक्कर नहीं साल बैठोंगे दो साल बैठोंगे ना बेचांगे आप इत्थे देंगे क्यों साडा हक वा जी लड़ना जे असी अपने रोटी ले लड़ते हैं जी जे ये खत्म होगी तो फिर असी खत्म। नवजोत ने तो कुछ देर में मक्के की रोटी को हाथों से बनाना सीख लिया लेकिन किसान की रोटी पर छिड़े आंदोलन में बातचीत के हाथ कब इतने सलीके से सरकार और किसान की जुड़ पाएंगे। सरकार कहती है कि कानून तो किसानों के हित में ही नीतियों के तवे पर चढ़ा है बस सियासत ही उसे जलाने की कोशिश कर रही है। आज जिन राजनीतिक दलों के लोग अपने आप को इस राजनीतिक प्रवाह में जब देश की जनता ने उन्होंने नकार दिया है तो कुछ न कुछ ऐसे इवेंट कर रहे हैं इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है ताकि कोई सेल्फी ले ले कोई फोटो छप जाए कहीं टीवी पर दिखाई दे और उनकी राजनीति चलती जाए। अब देश ने उन लोगों को भी देख लिया है ये देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। स्वार्थ की राजनीति का एक मुद्दा भद्दा उदाहरण हम बहुत बारीकी से। लेकिन किसान कहते हैं नहीं जी आंदोलन स्वार्थ नहीं सेवा से चल रहा है। तभी तो नवजोत एक ऐसी जगह पहुंचती हैं जहां किसानों के लिए हर तरह के कपड़ों की सेवा का लंगर भी दिखता है। अलग अलग जगह पर कैंप्स लगे हुए हैं जैसे मैं इस कैंप में आपको लेकर आई हूं खालसा एड का ये कैंप है और देखिए यहां पर सॉक्स आपको मिल जाएंगी ब्लैंकेट्स यहां पर अवेलेबल हैं। सुबह का एक वक्त रखा जाता है जहां पर जिस जिस को जिस जिस चीज की जरूरत है वो आइए ये देखिए ये ब्लैंकेट्स हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई है दिल्ली एनसीआर में कोहरा बहुत ज्यादा है पारा माइनस तक जा रहा है हमारा आप सभी जानते हैं कि कितना मुश्किल हो रहा है। टॉवल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए आप घर से कितनी चीजें लेकर आए हैं हर दिन वॉश करना भी इजी नहीं होता है। इस बीच ये अलग अलग नंबर्स की आपको इनरवियर्स वार्मर्स सब कुछ मिल जाएंगे बॉक्स उधर भरे हुए हैं और कितने बड़े बड़े कर्टन्स यहाँ पर हैं। ये पूरा एरिया जो है सॉक्स ब्लैंकेट्स मफलर्स इनरवियर्स टॉवल नाम लीजिए क्योंकि कम स्पेस है कम वॉशिंग मशीन्स हैं कपड़े धोने की ज्यादा जगह नहीं है तो इसीलिए कोशिश ये की गई है कि सब लोगों को ये प्रोवाइड किया जाए और फिर ले जाए जाए। ये देखिए ये इतने बड़े बड़े कार्टन्स हैं इनके अंदर सॉक्स हैं और साथ ही साथ खाने पीने का सामान तो है। किसान थक नहीं रहे आंदोलन रुक नहीं रहा 60 से 70 साल के बुजुर्गों की सेवा फुट मसाज और वाहेगुरु के जप के साथ होती दिखती है। अजीत सिंह जी आरोपों के बीच पूजा पाठ लगातार यहां चल रहा है नित्यनेम जप सतनाम वाहेगुरु लगातार लोग अपनी तरफ से जपते भी जा रहे हैं और साथ ही साथ फुट मसाज। अब इनमें कोई भी आपको यंग चेहरा नहीं नजर आएगा क्योंकि कोशिश यही है कि जितने बुजुर्ग है कम से कम उनको ये फायदा हो। चिड़िया नाल में बाज लड़ावा सवा लाख नल इक लड़ावा ता गोविंद सिंह नाम धरावा यही पहचान सिख समुदाय की रही है वही ताकत 30 दिन बीत जाने के बाद आंदोलन में दिखती है। तीस दिन यानी 720 घंटे 43,200 मिनट से जारी आंदोलन में हल्का रास्ता खोजती नवजोत रंधावा के मन से अब भी ये सवाल नहीं हट पा रहा था कि आखिर आंदोलन के पीछे राजनीति है या हकीकत है। तीनों कृषि कानूनों को लेकर अभी तक सरकार और किसान के बीच बातचीत बनती नजर नहीं आ रही है। सिंघू बॉर्डर पर मैं मौजूद हूँ और इस वक्त मेरे साथ कुछ किसान है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से बातचीत की है जनता से अवध के किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने इन कानूनों की खूबियां गिनवाई है कहा है कि किस तरीके से लोगों के लिए फायदेमंद है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर ये है प्रधानमंत्री ने आज एक बार फिर से कहा कि ये जो किसान यहां पर बैठे हैं पंजाब हरियाणा के इनके पीछे कुछ सियासी दल हैं जो कि अपनी सियासत चमका रहे हैं आपके जरिए। ऐसे कभी हो सकता है कि कोई सियासी दल हमारे पीछे आ जाए आपको वर्गला के खड़ा कर दे कि ये आंदोलन आपने करना है हम आपके पीछे हैं इस सरकार को गिरना है। हम अनपढ़ थोड़ी हैं कोई बीटेक है कोई पीएचडी है हम बिल्कुल अनपढ़ नहीं है हमारी प्रॉब्लम है। तो अभी हम जहाँ पे आके बैठे हैं एक महीना हो गया उससे पहले दो महीने वहाँ पे बैठे रहे पंजाब में बैठे हैं
हम किसी सियासी दल के कारण नहीं आए जहाँ किसी की सपोर्ट के कारण नहीं आए। हमारा दुख अपना है, हमारी जमीनें अपनी जाएगी, उसको बचाने के लिए जहाँ पे हम बैठे हैं। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों की ये तस्वीर देखकर कुछ लोग सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि ये कैसा आंदोलन है जिसमें किसान फुट मसाज का मजा उठा रहे हैं। लेकिन आज तक संपाददाता नवजोत रंधावा सिंघू बॉर्डर पर एक ऐसी माँ को ढूंढ कर लाई है जो किसान आंदोलन को कटघरे में खड़ा करने वालों को लाजवाब कर देगी। देखो मम्मा, मम्मा और मैं कट्ठे। ये तो कोरा थम दो पागल हो रहे हैं। बेटे सशिकाल बोलो। जसलूर। अपनी मुस्कुराहट से दिल के दर्द को छिपाती हरजीत दो बच्चों की माँ है जिनका वक्त हर पल इम्तिहान ले रहा है। बच्चों का कितनी बार फोन आ जाता है दिन में? दो बार मैम। दो बार आ जाता है। बच्चे मम्मा को मिस नहीं करते? मिस करते हैं, बोलते हैं आप गए हम भी जाएंगे, मोचे जीत के वापस आएंगे, तब नहीं जाएंगे। बच्चों को समझ है इस बात? हाँ जी बहुत समझ है। तो वो किसने समझाया, आपने परिवार ने, किसने? सबने समझाया है जो नालाय लेडीज। एक माँ के लिए बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता, लेकिन अगर माँ किसान भी हो तो फिर जमीन के लिए वो अपने आंसुओं को पी भी सकती है। तो बच्चों से कितनी बार बात हो पाती है? सुबह भी हो जाती है, शाम को भी। सिर्फ वीडियो कॉल? हाँ वीडियो कॉल। बच्चे कहते नहीं कि वापस आओ मम्मी? कह रहे हैं पर नहीं जाएंगे, जब तुझे कुछ नहीं पड़ेगा, नहीं हमारा हक मिलेगा फिर जाएंगे हम तो। लेकिन यहाँ तो हक मिलने में लग रहा है कि वक्त काफी लग सकता है। जितना मर्जी मैम टाइम लग जाए उन्हें से रुकांगे, ऐसे डटे खड़े हैं। जो रोड हरजीत कौर को उनके घर ले जा सकती है, उसी सड़क पर हरजीत कौर रोज ऐसे ही अपने बच्चों का हाल जानती है। देखो मम्मा, मम्मा और मैं कट्ठे। ये तो कोरा थम दो पागल हो रहे हैं। बेटे सशिकाल बोलो। जसलूर। इमोशनल हो रही है। हाँ बहुत बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। देखिए बच्चे भी इमोशनल हो रहे हैं यहाँ पर। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि हरजीत क्यों अपने घर और बच्चों को छोड़कर सिंघू बॉर्डर पर डटी है, वो अकेले यहाँ क्या कर रही है। तो इसका जवाब ये है कि हरजीत के कंधों पर बच्चों के साथ साथ घर और खेत की भी जिम्मेदारी है और मदद करने वाला कोई नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे के बेटी। ओके, उनकी उम्र क्या है? बेटा 11 साल का है, बेटी 12 साल थी। तो इतने छोटे बच्चे को छोड़ के आ गए? मजबूरी में हम छोड़ के आएंगे, जो बंदे भी नहीं सिरते है, तो जो पहली खोली सब कुछ खोलिया, फिर खुआएंगे क्या करेंगे। आपके हस्बैंड नहीं है? सौरभ नहीं है, साथ के ससुर भी नहीं है, हस्बैंड भी नहीं है, तो कौन देखता है घर पे बच्चों? आप ही करते हैं सब कुछ। अभी बच्चों को कौन देख रहा है? अब मेरी सास देख रही है, सास है। मतलब घर पर एक आपकी सास है, वो दोनों बच्चों को देखती है और आप दोनों महिलाओं के कंधों पर उन बच्चों की जिम्मेदारी? हाँ जी, हाँ जी मैम। देखिए इस बात को समझिए, आपकी मुश्किल है, दो बच्चे हैं, 6 साल 11 साल के बच्चे, बहुत मुश्किल है, लेकिन हक की लड़ाई है और उसी के लिए यहाँ पर महिलाएं डटी हैं। और वो तल्खियां, नाराजगी इस बात को भी लेकर हैं कि इल्जाम बहुत लगते हैं, लेकिन कम से कम समझना चाहिए, हम जनता है, नागरिक है यहाँ के, अपने हक के लिए यहाँ पर बैठे हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के खाने पीने का बढ़िया इंतजाम है, लंगर में लोग खाना खाते हुए देखे जा सकते हैं, जगह जगह मिठाइयां बन रही हैं, कुल मिलाकर किसानों की खूब सेवा हो रही है। लेकिन हरप्रीत को देखिए और सोचिए, क्या अपने बच्चों से दूर ये माँ एक भी कौर तसल्ली से गले के नीचे उतार पाती होगी? क्या बच्चों की चिंता हर पल इसे नहीं खाती होगी? हरजीत कैसे जज्बातों के समंदर में रोज डुबकी लगाती है, उसकी झलक बच्चों से उनकी बातचीत से लगाई जा सकती है। आप बात कीजिए, बात कर लीजिए। हेलो बेटे, सामने आओ सोने। हेलो हेलो बेटे, बाहर खड़ी है, इधर खड़ी हो। जशन हेलो हेलो। देखिए गला भर आ रहा है बच्चों से बात करते हुए, बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वहाँ रह रहे हैं, आप भी मिस कर रहे हैं। चलिए ये एक जरिया है, कम से कम बात हो जाती है। बता दीजिए उनको कब तक आएंगे? बेटा तब तक रहेंगे जब तक कोई फैसला नहीं होता, तब तक रहेंगे। आप दादी या मम्मा के साथ काम करें, हमारा घर का सांभे, ठीक है बेटा? हेलो, ठीक है बेटा, बाय। हरजीत कौर की कहानी तो एक उदाहरण भर है। सिंघू बॉर्डर पर कोई अपने बच्चों को छोड़कर आया है,
तो किसी को अपने बूढ़े माँ बाप की चिंता सता रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर जल्द बात नहीं बनी तो क्या होगा। सिंघू बॉर्डर पर यह सिलसिला कब तक चलेगा, इस सवाल का जवाब इस खास ट्रैक्टर पर बैठे जसविंदर ने दिया। आंदोलनकारी अपने घर वालों से फोन पर जुड़े रह सके, इसीलिए पंजाब का ये नौजवान फ्री मोबाइल चार्जिंग की सेवा दे रहा है। रोज सैकड़ों मोबाइल फ्री में चार्ज करने वाले जसविंदर दावा करते हैं कि किसानों का आंदोलन अगले 3.5 साल तक चल सकता है। आंदोलन मोदी जी अगर थक जाए तो हो सकता है 1-8 महीने में 15 दिन में बंद कर दें। हम 3.5 साल तक बैठने के लिए तैयार है, मैं बच्चों को बोल के आया। हो सकता है कि जसविंदर कौर की निजी राय हो, लेकिन आंदोलन कर रहे किसानों के तेवर भी इसी तरफ इशारा करते हैं, जिनके हौसले को न तो सर्दी तोड़ पा रही है और न ही घर वालों से दूरी। दिन तो जैसे तैसे निकल जाता है, लेकिन खुले आसमान के नीचे ठंड में रात बिताना किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन अंधेरा होने पर भी किसानों का जोश हाई है। जितने देर सानू हक नहीं मिलते उन्नी देर असीं इत्थे बैठे हां जी। गर्मे जी बच्चे हैगे, बोलते जाओ आप लोग भी असीं सब संभाल लेंगे। गर्म देश जानता है कि किसानों के बाजुओं की तरह उनके इरादे भी फौलादी हैं, जिनकी बातें मुर्दे में भी जान डालने की ताकत रखती हैं। लेकिन सिंघू बॉर्डर पर किसान क्या इसी तरीके से रात बिताते हैं? क्या देश में हरित क्रांति लाने वाले सभी अन्नदाता ऐसे हरे रंग के टेंट में बैठकर रात बिताते हैं? सिंघू बॉर्डर पर आखिर रात में क्या होता है? किसान कैसे रहते हैं? क्या करते हैं? क्या खाते हैं? क्या बात करते हैं? इसकी असली तस्वीर देश तक पहुंचाने के लिए आज तक संवाददाता विक्रांत गुप्ता सिंघू बॉर्डर पहुंचे। विक्रांत गुप्ता ने सर्दी में अलाव के सहारे रात बिताने वाले किसानों के दिल की बात सुनने की ईमानदारी से कोशिश की। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आज मैं एक अलग मैदान में हूं। ये सिंघू बॉर्डर है, रात के 9 बज चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर भी एक खेल चल रहा है, कोई हारेगा कोई जीतेगा पता नहीं, लेकिन मुकाबला कड़ा चल रहा है। ये किसान हैं, इनकी मांगे आपके सामने हैं। सरकार है, सरकार इनकी मांगे मान नहीं रही है। लेकिन मेरी कोशिश आज ये है कि मैं आपको दिखाऊं किस तरह हर रोज़ एक सुबह आती है उम्मीद के साथ, लेकिन शाम होते होते इन सब के बीच आशंकाओं के बादल आ जाते हैं। ठंड है, सर्दी है, लेकिन ये यहीं पर है। विक्रांत गुप्ता जब सिंघू बॉर्डर पहुंचे तो आधी रात होने को थी। लोगों के बैठने के लिए बिछाए गए गद्दों को उठाया जा रहा था। थोड़ी देर पहले हुए पाठ के बाद प्रसाद बट रहा था। यहाँ पर हमें न तो किसी किसान के चेहरे पर थकान दिखी और न ही आंखों में नींद। यहाँ सभी उम्मीद की सुबह देखने के लिए बेकरार नजर आए। आखिर किसानों को इस तरह से लड़ने की ऊर्जा कौन दे रहा है? यहाँ बैठे लोग ठंड और मुश्किलों से इतने बेपरवाह कैसे हैं? आज तक की टीम को यहाँ पर कई बुजुर्ग आधी रात पूजा करते हुए देखे। ये देखिए कैसे एक बुजुर्ग किसान रजाई ओढ़कर भक्ति की शक्ति से इस आंदोलन को ताकत दे रहा है। किसानों के आंदोलन में सबसे ज्यादा चर्चा यहाँ पर चलने वाले लंगर की होती है। देर रात होने पर भी हमें यहाँ पर आराम से खाना मिल गया। भले रात के 11 बज चुके हैं, लेकिन शायद एक दरवाजा जो कभी बंद नहीं होता, अन्नदाताओं के हाथ से लंगर, गुरु का प्रसाद। एक चम्मच दो मेनू, अगर तुम दे सकते हो, बड़ा गरम गरम है। रात को भी खाना खुला रहता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हैं? कभी भी। कहाँ से आता राशन? रात में सारी संगत लेकर आती है। अच्छा, गुरु का लंगर होता है, सारा कुछ गुरु देता है हमारे। गुरु नानक देव जी थे ना, उन्होंने 20 रुपए से लंगर शुरू किया था। अच्छा, उनके पिताजी ने उनको 20 रुपए दिए थे भी जाओ अपना व्यापार वगैरह कुछ करो, बट उन्होंने कुछ भूखे साधु थे। 550 साल हो गए। हाँ, तो वही मर्यादा आगे आगे ऐसे चलती आ रही है। यार ये कुलदीप जी, हम देखते हैं सुनते हैं अखबारों में भी पढ़ते हैं कि अन्नदाता, अन्नदाता किसान कह देना बड़ा आसान होता है, क्योंकि
पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ पे ज़्यादा किसान होते हैं। किसान होने का मतलब क्या है? लेकिन किसान एक व्यापार तो है नहीं कि आप सिर्फ खेती करते हो और घर में पैसे ले जाते हो। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ किसान होने का मतलब क्या है। जैसे मैंने इनको पूछा कि रात को 11 बजे ये दरवाज़ा खुला है, उन्होंने कहा जी कभी भी आइए। ये अंदर से आवाज़ कैसे आती है अन्नदाता, ये लफ्ज़ क्या चीज़ है? ये लफ्ज़ तो ये चीज़ है किसान का, मतलब तो पहले ये किसान खुद का भी पेट पालता है, दूसरों का भी पालता है। तो आपने अपना पेट पाला आज के लिए कि नहीं? बिल्कुल। खाना खा लिया? खा लिया, खा लिया। मैं रात को किसी वक्त भी आके खाना खा सकता हूँ और सुबह भी? जिस मुल्क में किसान संघर्ष कर रहे हैं हज़ारों की तादाद में, अगर यहाँ पर हैं और कह रहे हैं कि अपना पेट तो ठीक है दूसरों का भरना है, इनकी कोई तो सुनेगा? लंगर में प्रसाद लेकर जब हम आगे बढ़े तो हमें दिल्ली बॉर्डर पर पंजाब के गांव की झलक दिखी। जिस तरह गांव में लोग मिलजुल कर अलाव जलाकर चौपाल लगाते हैं, सिंघू बॉर्डर पर हमें हूबहू वैसा ही महसूस हुआ। दिल्ली में जब सर्दी रिकॉर्ड बना रही है तब किसान अंगद के पैर की तरह जमे हुए हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अपने हक के लिए लड़ने वालों में नौजवान और बुजुर्ग ही नहीं, 10 साल के योगराज जैसे बच्चे भी शामिल हैं जो इस आंदोलन एक अहम रोल निभा रहे हैं। नहीं, ये हमारे योगराज अभी 10 साल का योगराज है। ये दोबारा होगा तो लट किस काम करोगा फिर? नहीं, लट छोड़ो, योगराज कम है किसी से। किसानों के इसी जज्बे का देश कायल है जो अपने अन्नदाता को संयम की तपस्या करते देख रहा है और प्रार्थना कर रहा है कि जल्द से जल्द सरकार और किसानों में बात बन जाए ताकि किसानों का ये वनवास खत्म हो सके। आप ये कह रहे हो कि अगर कोई गलत इंसान घुस गया तो आप ही लोग उसको पकड़ लेते हो? तो आप ही पकड़ लेते हो? हमने कल पकड़ा है यहाँ पर, चोर पकड़ा, चोर। अच्छा, यहाँ पर धक्के से किसी को भैया को रोक कर उसका फोन। किसानों का ये आंदोलन कब खत्म होगा कोई नहीं जानता, लेकिन जब भी किसानों के हक की बात होगी सभी को इस आंदोलन की याद एक बार जरूर आएगी। जैसे जैसे वक्त बढ़ता रहा, घड़ी की सुइयां बढ़ती रहीं, ठंड बढ़ती रही, इस आग ने आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ दिया। मगर इनके संघर्ष ने फिलहाल दम नहीं तोड़ा है। उस संघर्ष में चिंगारी वक्त वक्त दिखती है। इन्हें अब भी लगता है कि नई सुबह होगी, नई उम्मीद के साथ एक जीत लेकर आएगी। लेकिन यह साफ है कि लड़ाई इस मैदान में थोड़ी लंबी चलेगी, बीच में भ्रम का ये कोहरा भी आएगा। लेकिन सवाल ये है कि उजाला कब आएगा और किसके लिए आएगा? रितेश, दिनेश और गगन के साथ विक्रांत गुप्ता, सिंघू बॉर्डर आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।